बर्गर लॉन्डों के अंदर और देसी लॉन्डों में क्या फर्क होता है? क्वेश्चन आपने थोड़ा टफ ही पूछ लिया। टफ पूछ लिया। बर्गर देखें, ये लाहौर सारा लाहौरी नहीं है सारे। मैं भी बाहर से आया हूँ, मैं भी एक गांव से हूँ, विलेज से हूँ। अच्छा। तो मुझे तकरीबन 9-10 साल हो गए लाहौर आए हुए। तो बर्गर में ये शमार आजकल जो निकल आए हैं चीज़ें ट्रेंड में, कि जल्दी से कोई चीज़ मिल जाए। हम भी खाते हैं, बर्गर खाते हैं अक्सर, लेकिन वो चीज़ जो है ना मजबूती जो है ना बंदे में। सर जी, मैं खाने दानी से पूछे, खाने की बात कर रहे हैं। लौंडे आप ये कह रहे हैं कि बर्गर यहाँ कोई अच्छे देसी बंदे हो जाए या बर्गर पॉइंट हो जाए कोई चीज़ इस तरह की, कि देसी खाने वाला बंदा फिर वो देसी खुराक वो और चीज़ होती है। मैंने आपसे फ़र्क पूछा था बर्गर बच्चों में और देसी बच्चों में। जी हाँ, बर्गर बच्चों में और देसी बच्चों में जो आपने फ़र्क पूछा, मैं यही मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जो बंदा बर्गर खाने वाला है उसने तो फिर बर्गर ही बनना है, और जो देसी चीज़ें खाने वाला है वो थोड़ा मजबूत होगा। आप क्या खाने वाले हैं? होगा, मैं दोनों चीज़ें खा लेता। मतलब कि आप सेमी बर्गर हैं, सेमी देसी हैं? सेमी देसी। उससे किया सी मैं सेमी सरकारी रहो नौकरी करना। नीम सरकारी। नीम सरकारी। ये नीम बर्गर हैं, नीम देसी हैं। अच्छा ही। मोहब्बत की शादी करनी चाहिए या अरेंज करनी चाहिए? दोनों में अगर रजामंदी पूरी हो घर वालों आपकी, लव मैरिज थी अरेंज थी? यार कैसे कर लेते हो लव मैरिज, हमने तो मोहब्बत की एक दफ़ा चपेड़ी पड़ी भाई। मेरी तो वैसे ऐसे हो 2 महीने के अंदर। वाह, घर वालों को मनाने का से कोई एडवेंचर नहीं था? रजामंदी, सारे रजामंदी के साथ। वैसे चाहता है ना कभी कभी दिल के, जब शादी हो गई बच्चा हो गया यार थोड़ा तो एडवेंचर होता। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, एक आधा बंदा खिलाफ होता जरा मजा आता, थोड़ा सा थ्रिल होती है। ये है ये इस तरह की शादी के बाद बाद में सोच आती है अगर इस तरह की, लेकिन कई होते हैं अक्सर। मेरा तो वैसे इतना नहीं लंबा चौड़ा काम हुआ, जैसे मैंने बताया आपको कि 2 माह के अंदर अंदर मेरी शादी होगी। घर वाले भी रजामंद थे, सारे रजामंद थे, मेरी बेगम मेरी हर जो है ना कंप्रोमाइज़ के साथ हुआ सारा कुछ, और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। क्या बात है यार, टिप्स दें लव मैरिज करने के लिए मेरी ऑडियंस को। टिप्स क्या देनी, एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर तो समझ सकते हैं एक दूसरे की जो है ना चीज़ों को, मामलात को, एक दूसरे के मामलात को जो है ना हैंडल कर सकते हैं बंदा। कौन से वाले? जिस तरह के भी हों, घरेलू हों, बाहर के हों, आउटस्टैंडिंग में जिस तरह भी हो बंदा कर सकता है एक दूसरे के साथ, तो फिर जो है ना अच्छा हम सफ़र अच्छा मिल सकता है इस तरह के मामलात। मतलब कि इनको पहले हार्ट छूटते ही पप्पी शप्पी नहीं करनी? नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, गलत बात है, ये नहीं करनी। अगर इस तरह के मामला पहले हो जाए ना फिर बाद में वो मज़ा नहीं रहता। इन्होंने बात अच्छी की है। शादीशुदा हैं? जी हाँ। ये आप इसीलिए कह रहे हैं कि खवातीन की बात माननी पड़ती है? जी, अभी की सारी बातें मानते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भाभी को खाना शाना बना के खिलाया भाई ने? मैं खुद बहुत अच्छा शेफ हूँ। अरे क्या बात है यार, ये तो फिर ये तो हमें टिप्स देंगे शादी के बाद मुझे क्या चीज़ें बनानी चाहिए बेवकूफ़ बनाने के अलावा, वो बताएंगे। अच्छा, मैंने वैसे सुना है मर्द हजरात बेवकूफ़ अच्छा बना लेते हैं। नहीं वैसे अगर तो लाइफ पार्टनर अच्छा हो साथ, उसके साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके साथ बेवकूफ़ बनना चाहिए लाजमी जारी सी बात। ये शो करना चाहिए मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर दोनों जो है ना वो एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं ना, तो उनको एक दूसरे के साथ जो है ना वो अच्छा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेवकूफ़ तो बनाना फिर वो दुनियादारी के सारी सूरत हाल साथ ही होती है। दुनियादारी की चीज़ें आनी चाहिए आपको, हैं सब? जी हाँ, जारी सी बात। आमिर भाई कितना अर्सा हो गया शादी को? 3 साल हो गए मेरी शादी को। और बच्चे कितने हैं? एक बेटा मेरा माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ने पहली औलाद दी वो भी बेटा। क्या नाम रखा बेटे का? जी मोहम्मद वली नाम। ये आप दोनों ने, भाभी ने और आपने बाहमी मुशावरत से रखा था? हमने मुशावरत से रखा। मोहम्मद वली थी क्यों रखा, कोई स्पेसिफिक अटैचमेंट थी इस नाम से? बस वो जब मेरे गोद में आया तो उसका नाम मेरे मुँह से यही निकला, ये वली है मेरा, मोहम्मद वली। अरे बस इस तरह। तो बेटे को क्या बनाने का इरादा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश है। वैसे उसका शौक मेरी तरह कुकिंग का ही है ज़्यादातर। अरे वाह। तो मैं तो वैसे डिस्पेंसर हूँ सोशल सिक्योरिटी में। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छा ही सोचेंगे इसके बारे में। क्या क्या बना लेते हैं खाने में? हर चीज़ बना लेता हूँ, पाकिस्तानी, इटालियन, मैं ये दूसरे भी खाना जो है ना चाइनीज़ वगैरह भी सारा कुछ बना। अभी तो बहुत खुश होंगी। हाँ जी, वो भी शेफ है। क्या बात है, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं कोई लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं। कभी नहीं, कभी किसी बात पे होता है ना बंदे का दिमाग गर्म होता है, हो जाता है कुछ तो नॉर्मली कुछ छोटे। कौन मांगता है, आप मांगते हैं भाभी मांगते हैं? नहीं मांगते, दोनों ही मांगते हैं। ऐसे ही किस्तें लगाई हुई हैं, पहले आप करें सॉरी फिर मैं करूँगा। हाँ ये जिसका वो वैसे एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर। सर कोई शेर ही सुना दे जाने से पहले। शेर यार इस तरह के वैसे नहीं, कभी मैं मामलात में कोई गाना सुना दें। हाँ गाना, शेफ हजरात गाना बहुत अच्छा सुनाते हैं। गाने में है कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट, बाकी सुना दें आज कुछ मज़ेदार। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, ओ यारो क्या बात है,
दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो। ओ यारो क्या बात है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, हो जिंदगी खूबसूरत है। थैंक यू आमिर भाई, जजाक अल्लाह खैर। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। इनकी ज़िंदगी खूबसूरत है, हमारी ज़िंदगी जड़ चल रही है भाई आजकल। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बंदा हमारे साथ ऐनक वाला चल रहा है पीछे पीछे, पता नहीं क्या चाहिए। भाई देते हैं पैसे तुम्हें भी।